हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक समान रूप से आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस की प्रमेय की एक एप्लीकेशन है जो कि दो एप्लीकेशन इसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उनमें से एक ये है, ध्यान से करके जाना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तार है आपके पास, ठीक है, और उस तार पर जो भी आवेश है वो क्या है, एक समान रूप से बटा हुआ है, तभी तो मैं कहूँगा कि एक समान रूप से आवेश है। ध्यान से देखें, डायग्राम बहुत ज़रूरी है आपको, अच्छे डायग्राम बनाना, ठीक है। तो इसकी लंबाई कुछ भी मान ली, इसके पास कोई बिंदु है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको क्या कहा गया है भाई, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, ठीक है। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और गॉस की प्रमेय से निकालनी है। अब गॉस की प्रमेय से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है तो आपके पास प्रश्न कैसा होना चाहिए, बंद, ठीक है। तो इस बिंदु P से होता हुआ मैं क्या करने वाला हूँ, एक गॉसियन प्रश्न खींचने वाला हूँ जो कि वर्चुअली बंद होगा, ठीक है। अब जैसा आपका निकाय होगा, जैसा आपका सिस्टम होगा, वैसे ही गॉसियन प्रश्न आपको खींचना है। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार है, तो इसके चारों ओर जो प्रश्न बनने वाला है वो भी कैसा होना चाहिए, बेलनाकार ही होना चाहिए। तो इस बिंदु P से होता हुआ, ध्यान से देखना, इस बिंदु P से होता हुआ मैं क्या करने वाला हूँ, एक गॉसियन प्रश्न खींचूंगा, ठीक है। ये देखो, ऐसे ही आपको डायग्राम बना के आना है, ठीक है। ये देखो, एक बेलनाकार गॉसियन प्रश्न आपने खींच दिया। अब इस प्रश्न के पास अगर आप बात करते हैं तो इस प्रश्न के पास तीन, किसी बेलन में तीन भाग होते हैं, आपने देखा होगा, एक ये ऊपर का भाग, एक ये नीचे का भाग और ये आधार का भाग, ठीक है। एक तो ये प्रश्न, एक ये प्रश्न और एक ये प्रश्न, तो यहाँ पर भी तीन ही पार्ट है। एक तो है ये पृष्ठ, है ना, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तीन है, ठीक है। इसका नाम मैं रख रहा हूँ S1, इसका नाम रख रहा हूँ S2 और इसका नाम रख रहा हूँ S3, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि S1 की दिशा क्या होगी, तो किसी भी पृष्ठ की दिशा जो होती है वो उसके लंबवत होती है। जैसे इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी दिशा, ये किस तरफ को खुलेगा पृष्ठ, तो ये रहा हमारे पास, लेकिन खुलेगा किस तरफ, दिशा क्या है इसकी, ये, यानी कि इस पृष्ठ के लंबवत। ऐसी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन पृष्ठ हैं, तो हर एक पृष्ठ की जो दिशा होगी, यानी कि क्षेत्रफल सदिश होगा, वो क्या होगा, लंबवत होगा उस पृष्ठ के। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए तो S1 क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ DS1, ठीक है, S1 का छोटा सा पार्ट है। ऐसे इसकी बात करते हैं तो इस पर भी लंब होगा, मान लो DS2, ठीक है। और यहाँ पर भी ये पृष्ठ है, इसके भी पृष्ठ के क्या लेंगे हम, जो आपका क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा किस तरफ को होगी, इस तरह। देखो, इसकी घर में अनाज की टंकी होती है ना, उसमें देख लेना, जो ढक्कन होता है उसकी दिशा ऊपर की ओर, तली है उसकी दिशा नीचे की ओर, और जो साइड में है उसकी दिशा क्या होगी, उस पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये पृष्ठ आ गया तो इसके लंबवत कौन सी दिशा होगी, यही तो होगी, तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, ये मान लिया हमने DS3। D क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि छोटा सा हिस्सा माना जा रहा है अभी। अब चूंकि ये जो आपका तार है या फिर जो भी चीज़ है उस पर आवेश कैसा रखा हुआ है, प्लस, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर। यहाँ भी क्या होगी, बाहर की ओर, और यहाँ भी क्या होने वाली है, तीव्रता बाहर की ओर ही होने वाली है। यहाँ कौन 90 का है, यहाँ कौन 90 का, और यहाँ कौन 0 है, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई कुछ भी होगी, हमने इसकी लंबाई तार की मान ली L, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप उसको बता भी देंगे। और आप ये देखो, ये बेलन है और बेलन की कोई ना कोई तो त्रिज्या होगी, हमने यहाँ पर बेलन की त्रिज्या जो मानी है वो मान ली है यहाँ से R, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये डायग्राम आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है 90 का, ठीक है। यहाँ पर भी कोण कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। अब बताओ ज़रा मुझे सोच के, यहाँ तक कोई डाउट आपको है, ये डायग्राम आप बना के आएंगे बहुत साफ सुथरा सा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करना है, माना वाना आप इस तरीके से देखेंगे, माना कोई सामान्य रूप से आवेश चालक तार है जिसके निकट कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन प्रश्न खींचा जिसके प्रश्न भाग S1, S2 है, S3 है, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना है इस पूरे के पूरे प्रश्न में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए लगा सकते हो तरीका, भाई इस प्रश्न को जोड़ लो, इस प्रश्न को जोड़ लो, इस प्रश्न को, क्योंकि ये तीन ही तो इस बेलनाकार प्रश्न को बना रहे हैं। तो अगर आपको निकालना है इस पूरे के पूरे बेलन में से, यानी कि इस बेलनाकार गॉसियन प्रश्न में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो तीनों के तीनों प्रश्नों का, इसका, इसका और इसका, यानी कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का जो वैद्युत फ्लक्स होगा कुल, उस वही क्या होगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे
टोटल वेदर फ्लक्स आपको निकालना है, तो कितने हिस्सों का आप वेदर फ्लक्स जोड़ोगे, तो आप कहोगे सर फाइव एस वन प्लस फाइव एस टू और प्लस फाइव एस थ्री। इन तीनों का अगर हमने वैद्युत फ्लक्स जोड़ लिया तो हमारे पास बहुत आसानी से आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स टोटल, ठीक है। तो अब इन तीनों का वैद्युत फ्लक्स जोड़ना है, ध्यान से देखिए। तो जी आपने देखा फाइव बराबर कितना था हमारे पास, फाइव बराबर था फाइव एस वन प्लस फाइव एस टू प्लस फाइव एस थ्री, ठीक है। अब मान रख लो इनके फाइव बराबर, अच्छा फाइव का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा बताओ, फाइव बराबर होता हमारे पास में समाकलन ई डी एस वन और कोस कितना बताओ, कोस कितना अभी दिखाऊंगा आपको मैं, कोस कितना बताओ ज़रा एस वन के कारण, ये तो एस वन था और इसके कारण जो डी एस वन था उसकी दिशा तो थी ये और ई की दिशा थी ये, कोण कितने का इनके बीच का 90 का, तो यहाँ कितना लिखेंगे 90 डिग्री प्लस ऐसे ही एस टू बताओ, एस टू कहाँ था यहाँ था, उस एस टू ये रहा और ई ये रहा, तो दोनों की दिशा क्या है बताओ ज़रा, लंबवत है एक दूसरे के, तो यहाँ भी कोण कितने का लेंगे 90 का, एस टू के लिए ई डी एस टू कोस 90, ठीक है। और प्लस अब जो बचा तीसरा, वो तीसरा क्या था, तीसरा यहाँ था, तो अगर आपसे पूछा जाए डी एस थ्री की दिशा है री और ई की दिशा है री, इनके भी इनकी दिशा क्या है सेम है, अगर दिशा सेम है तो फिर कौन कितना लेंगे इनके बीच का 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी एस थ्री की वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन एस थ्री और यहाँ कितना जाएगा ई डी एस थ्री कोस 0, ठीक है। अब सबको पता है यहाँ पर कि कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान होता है 1, तो कोस 90 का मान 0 होता है ये भी 0 हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 होता है ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ज़रा बताओ मुझे, जो जो 0 हो जाएगा उसको बता देंगे, आप अलग से बता सकते हैं सिंस हमें पता है कि कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1 तथा कोस 90 डिग्री क्या होता है हमारे पास 0, ठीक है। कोस के मान होते हैं, फिक्स मान होते हैं, तो अब मान रखेंगे चलो, तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 0, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कोस 90 यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 प्लस, यहाँ कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री। आगे यहाँ तक चूंकि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है, ये फिक्स है बात। अब अगर तीव्रता समान है, क्यों समान है ये भी देख लो आप, देखो यहाँ आप बताओ मुझे जितना असर यहाँ होगा इस बिंदु पर उतना ही असर यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, क्योंकि दूरी तो क्या है बराबर ही है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बराबर होने वाली है, ठीक है। तो फाइ बराबर कितना आ जाएगा चलो बताओ मुझे यहाँ से तो फाइ बराबर क्या आ जाएगा बेटा, जो ई है वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि हर पॉइंट पर क्या है समान है, यहाँ क्या बचेगा डी एस थ्री। अब डी एस थ्री का मान आपको पता होना चाहिए, चलो बताओ ज़रा क्या होता है, तो हमारे पास क्या बचा था फाई बराबर बचा था हमारे पास में ई डी एस थ्री का इंटीग्रेशन। अब ज़रा मुझे बताओ कि इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो किसी भी बेलन के ये वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वो फिक्स होता है, वो कितना होता है आप बता सकते हैं उसको, डी बराबर क्या होता है 2πRL, त्रिज्या क्या है आर है और लंबाई क्या है हमारे पास एल है, तब हमारे पास फाई कितना आ गया ई मल्टीप्लाई 2πRL। आ गया यहाँ तक, अब एक बात बताओ मुझे फाई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है क्यू बाई एप्सिलॉन, भाई गॉस की परमे का यूज़ करना ज़रूर पड़ेगा आपको, गॉस की परमे अगर ऐसा है तो बताओ, तब ज़रा बताओ मुझे ई बराबर यहाँ कितना जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जाएगा ई मल्टीप्लाई 2πRL। इसको कहाँ लेके जाएँ क्योंकि मुझे क्या निकालना था, ए निकालना था, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे डिवाइड में लेके जाएंगे, तो डिवाइड में लेके जाओ उसको, कितना आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में ले जाने पर, तब यही तो जुगा तू रह गया, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, ध्यान से देखना यहाँ क्या बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा 2πRL, ये किसके बराबर आ जाएगा ई के। लेकिन हमें क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप कहें तो देखो ये है, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन 2π
एफ सेलेनोट आर, और यहाँ लिख दो क्यू बाई एल। देखो क्यू जो का तो है एल जाएगा भाग में, लेकिन आपने कहा कि जी लिखा क्यों, चूँकि हमें पता क्यू मल्टीप्लाई क्यू बाई एल क्या होता है हमारे पास लैम्डा होता है, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तब बताओ जरा क्या जाएगा, ई बराबर हमारे पास वन अपॉन टू पाई एफ सेल नोट, और ये कितना बन गया लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ लिख देंगे और यहाँ कितना जाएगा आर, ये आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब।